हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको PSSC CGL 3 और BPSC का जो नया कैलेंडर जारी हुआ है उसके बारे में बताऊंगा और भी अन्य खबरें बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो BSSC CGL 3 का, जैसे आप लोगों ने, क्योंकि सोशल मीडिया आप देखते हैं तो वहाँ चर्चाएँ थी कि BPSC को पत्र लिखा गया था कि मैं जो कि दिसंबर में इसी तारीख को जो कि परीक्षा कराने की उस डेट में जो कि कोई, तो कहीं ना कहीं जो कि वो तो एक लेटर हो गया, कहीं ना कहीं सारे जो बहुत सारे सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि अब परीक्षा टलने के ही ज़्यादा आसार है। और इसी की नोटिस है जो कि आज है, जो कि आ सकता है। और इससे रिलेशन इससे भी है क्योंकि आयोग BSSC पहले ही कर चुका था कि आप जो कि डेट है जो कि उस डेट में ना रखें जो भी इन लोगों ने तय किया था। तो ये कैलेंडर है जो कि जारी कर दिया। अगर आप देखेंगे नोटिस बोर्ड पर तो आपको नोटिस बोर्ड पर नहीं मिलेगा कैलेंडर। कैलेंडर जब भी BPSC जारी करती है तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे नो, लेकिन कहीं भी कैलेंडर नहीं है। और कल ही है जो कि जारी हुई 10 तारीख को, लेकिन नहीं है। कहाँ पर है तो ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आएंगे एसेट डिक्लेरेशन के नीचे एग्जाम कैलेंडर। इसको अगर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको नया जो कैलेंडर का जारी हुआ है उसके है जो कि ये मिल जाएगा। तो ये कैलेंडर जारी BSSC CGL 3 एग्जाम को क्या ले? मतलब वो जो भी था, कोई भी डेट परीक्षा का देना नहीं देना, वो सब आज कल है जो कि क्लियर हो गया। उसके बाद आज जो है उम्मीद है शाम तक कि आपको नोटिस, ज़्यादा संभावना है डेट बढ़ने की ही, लेकिन चलिए अब आयोग की फाइनली क्या डिसीजन लेता है, लेकिन सारे सोर्सेज हैं डेट बढ़ने के ही हैं। तो आज जो कि उम्मीद है और आप देख रहे हैं ये कैलेंडर जारी हो गया। और अगर आप जो चर्चाएं हैं डेट की 17-18, कोई 12-15 कह रहा, कोई 15-16 कह रहा है, तो ये डेट में है जो कि क्या परीक्षाएं हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, मेंस, प्रीलिम्स डेट। प्रीलिम्स डेट का देखते हैं 12-4, ये तो पुराना है, 12-4-22, 10-22, और ये 10-11 को ही है जो कि जारी हुआ है, 10-11 को, 27-9, 27-10, 12-11 एंड 13-11 है, ये सॉरी 12वें महीने का है क्योंकि दिसंबर में चर्चाएं चल रही है और ये सब परीक्षा का भी नहीं दिया गया है। तो प्रीलिम्स का ही डेट देखते हैं, अभी 21 ही चल रहा है, 22-22, तो ये जो है आपको प्रीलिम्स का डेट के लिए कोई चेंजिंग अभी नहीं हुआ है। और मेंस की डेट की अगर बात करें तो कोई डेट क्या है 12वें महीने में, तो अभी भी मतलब ये क्लियर है कि दिसंबर वाले में छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो ज़्यादा उम्मीद है आपको तो दिसंबर में परीक्षा BSSC CGL 3 की हो सकती है। और कैलेंडर में मुख्य रूप से इसमें क्या है जो देखने लायक है, जो जो आपको जैसे इसमें जो चेंजेज हुए हैं, 67वीं और 68वीं से मेनली मतलब रहता है। तो 67वीं जो है वो PT का रिजल्ट डेट है जो कि घोषित कर दिया गया है। मतलब अब जो है डेट है जो कि प्री आपका जो 67वीं BPSC प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि इस तारीख को है जो कि जारी होगी। आज 11 है और 14-11 आप देख सकते हैं, 14-11 को जो है आपको ये प्री रिजल्ट है जो कि आपको आ जाएगी। उसी तरह है जो कि 29-12 को से मेंस एग्जाम शुरू हो जाएगी, 14 को है जो कि ये रिजल्ट आ जाएगा मार्च को 2023 में, और 29 को है जो कि इंटरव्यू होगा, और 28-5 को रिजल्ट डेट है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, आपके रिजल्ट जो है वो 14-11-2022 को 67वीं BPSC प्री की आर ए कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि दोबारा ये परीक्षा हुई थी और एक ही सिटिंग में हुई थी। उसके बाद ये जो है 67वीं में 802 पद हैं। अब 68वीं का क्या हाल है, एक जो बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है, क्योंकि अब तक हो रहा था कि वैकेंसी अभी तक आई नहीं और जनवरी में ही डेट देते, ये चेंज हो गया है डेट, ये लगभग एक महीने से ज़्यादा बढ़ गया। 12 फरवरी 2023 को हम 68वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस 27 मार्च से होगा, और रिजल्ट है जो कि 12 मार्च 2023 को है जो कि रिजल्ट है जो कि 27 मार्च को रहेगा, और मेंस एग्जाम 12-5 से शुरू होगा, 26-7 को रिजल्ट रहेगा, 11-8-23 को जो कि आपको इंटरव्यू रहेगा, और रिजल्ट है जो कि 9-10-2023। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि अखबारों में लिखा हुआ था जैसे ही 67वीं प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद है जो कि वैकेंसी, मतलब इस महीने है जो कि 15 से
20 नवंबर तक है, जो कि 68वीं बीपीएससी का वैकेंसी लगभग 300 पदों पर आई है, और अगर बढ़ेगी तो कम से कम निकलने के बाद भी सीटें बढ़ती हैं। तो ये जो है आपको दो इसमें अपडेट है कि एक तो आपको 12 फरवरी को आपको 68वीं बीपीएससी प्री होगी, और 67वीं को 14 नवंबर को है, जो कि ये रिजल्ट आएगा। तो ये सांकेतिक बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए भी क्या आज है, जो कि अब आपको नोटिस देने में उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 12वें महीने में अगर डेट देखें तो 29/12 को ये दिया हुआ है 2022 को, ये रिजल्ट का डेट है, सॉरी ये मेंस का है। तो कहीं ना कहीं वो जो बीच की जो डेटें हैं वो आप बीपीएससी जो है वो नहीं दिया, क्योंकि बीपीएससी क्यों दिया गया, बीपीएससी को इलेक्ट, क्योंकि ये बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं, तो कोई भी बड़ा एग्जाम ऐसी नहीं है कि आपको बीच दिसंबर में। तो उम्मीद है देखिए सीजीएल 3 का आज नोटिस आए तो क्लियर, क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान हैं, कम से कम अगर डेट बढ़नी ही है तो उसका नोटिस निकाल देगा अगली तिथि परीक्षा का, वो मेंटली है जो क्या। लेकिन छात्र अभी भी चाहते हैं जो, क्योंकि चाहते हैं कि परीक्षा जो कि 26 और 27 नवंबर को ही हो, क्योंकि अब तक नोटिस नहीं आए और अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि 26-27 नवंबर को हो जाए और नोटिस आ जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। तो चलिए उम्मीद पे है, लेकिन जो सोर्सेज हैं सारे हैं जो कि डेट बढ़ने के ही हैं, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लेना है वो आयोग को ही लेना है। तो ये हो गए, अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 149 ITI जो है 2022-23 सत्र के लिए 17% ITI की सीटें हैं जो कि खाली रह गई है बिहार में, और 29,652 स्टूडेंट का नामांकन होना था 41 ट्रेड में 149 ITI, लेकिन 24,865 नामांकन, 4,787 पद रिक्त रह गए हैं। सभी सरकारी ITI में 26,800 में 22,900 नामांकन, यानी 3,800 खाली रह गए थे। तो यहाँ भी शुरू हुए 11 नए ट्रेड की 2864 अधिकांश जो है रिक्त पाया गया है। कहाँ कहाँ है जो कि अधिक सीट बट वाले ट्रेंड है, जो कि कौन कौन है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, इलेक्ट्रोल पैलम्बर, ICT, ये सब जो ब्रांच है वो टॉप में जनरली लोग फिटर और इलेक्ट्रिशियन को ही मांग, उसकी डिमांड भी काफ़ी है। और नए ट्रेड जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नीशियन, IoT, स्मार्ट सिटी, तो ये सब का जो कि अभी वर्तमान में आने वाले दिनों में है जो कि इस पर डिमांड है जो कि बढ़ेगी। झारखंड में क्या अपडेट है, झारखंड में जो कि 15 लाख का क्रेडिट कार्ड कोचिंग फीस के साथ भत्ता, कैबिनेट के राज्य के युवाओं को तकनीकी उच्च शिक्षाओं पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था फैसला किया है, और 4% ब्याज के अधिकतम 15 लाख रुपये भी मिलेगा। और आज आयोग स्थानीयता और आरक्षण बिल गेंद, ये जो कि ये झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज है, इसमें जो कि पहल हो सकती है, और इसमें क्या 1932 के पहले का सभी सर्वे मान्य है जो कि किया गया है, और आरक्षण की सीमा 70%। देखते हैं आज क्या होता है। तो यही अपडेट के साथ धन्यवाद।